हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज भाग्यश्री वानखेड़े फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एन आई टी पॉलीटेक्निक नागपुर वेलकम्स यू ऑल फॉर द लेक्चर नंबर सेवन दैट इज़ एन बिट पैरल एडर एंड सब्ट्रैक्टर फ्रॉम द सब्जेक्ट डिजिटल टेक्निक्स टॉपिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट अब तक के टॉपिक में आपने एडर एंड सब्ट्रैक्टर पढ़ा लेकिन एडर का यूज़ होता है सिर्फ दो सिंगल बिट को ऐड करने के लिए और फुल एडर का यूज होता है तीन सिंगल बिट ऐड नंबर्स को ऐड करने के लिए वैसे ही हाफ सबट्रैक्टर हम दो सिंगल बिट को सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और फुल सबट्रैक्टर हम तीन सिंगल बिट को सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन मल्टीपल बिट नंबर अगर है तो क्या ऐसी प्रोविज़न है कि जिससे हम मल्टीपल बिट नंबर्स को ऐड भी कर सकें या तो सब भी कर सकें सो so, यही टेक्निक पढ़ने के लिए हम अभी देख रहे हैं बिट पैरल एडर एंड सब The course outcome related to this topic is build simple combinational circuit as it belongs to unit number three and course outcome related to unit number three is build simple combinational circuit. The CoPO mappings as given below, that is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. The learning outcomes means after completion of this topic you can understand the requirements of half and full subtractor,

तो हाफ एडर का मतलब ये था कि हम सिंगल बिट को ऐड कर सकते थे दो सिंगल बिट को फुल एडर का मतलब था कि हम तीन सिंगल बिट को ऐड कर सकते थे लेकिन सपोज इस टाइप की अगर कंडीशन है कि ए इज़ अ मल्टीपल बिट नंबर यानी एक से ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स आर प्रेजेंट इन नंबर ए और बी में भी एक से ज़्यादा नंबर प्रेजेंट है नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट है तो इस केस में इस मल्टीपल बिट को यानी हम इन जनरल हम उसको कहते हैं कि एन बिट नंबर है ना वो हो सकता है थ्री बिट फोर बिट फाइव बिट सिक्स बिट अनलिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स तो ये सिंगल बिट प्लस ये सिंगल बिट ये सिंगल बिट प्लस ये सिंगल बिट ये सिंगल बिट ये सिंगल बिट ये सिंगल बिट ऐसे अनगिनत सिंगल 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 बिट को ऐड करने के लिए हमारे पास जो सर्किट है उसको कहा जाता है एन बिट पैरल एडर ठीक है तो ये एन बिट पैरल एडर को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे अब आप सिंपल एग्जाम्पल देखिए कि अगर ए नंबर है जिसमें हम मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ ए नंबर है सपोज और उस ए नंबर में अगर वन ज़ीरो वन वन है और बी एक नंबर है जो कि वन डबल ज़ीरो वन है तो हम क्या करेंगे ये सिंगल बिट को ये सिंगल बिट के साथ ऐड करने के लिए हाफ़ एडर काफ़ी था लेकिन हाफ एडर में कोई कैरी नहीं होता लेकिन फुल एडर में तो कैरी की ज़रूरत होती है तीन सिंगल बिट लगते हैं तो यहाँ पे वन प्लस वन ज़ीरो होता है तो इसमें यहाँ पे कैरी क्या है यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं है अगर हम कैरी को लिख देते हैं जीरो तो ये तीन बिट नंबर हो जाएगा इसका मतलब ये भी फुल एडर हो गया तो एक फुल एडर दूसरे फुल एडर के साथ में तीसरे फुल एडर के साथ में चौथे फुल एडर के साथ में जब कनेक्टेड हो जाते हैं और वो जो कंप्लीट सर्किट बनता है उनको हम एन बिट पैरल एडर कहते हैं वैसे देखो अभी ये ए नंबर है ए नंबर में चार बिट है और बी है बी में भी चार बिट है जस्ट लाइक दिस ए नंबर में चार बिट है इसका नंबर रहेगा ए ज़ीरो ये रहेगा ए वन ये ए टू और ये ए थ्री ये बी नंबर है तो ये बी ज़ीरो बी वन बी टू एंड दिस इज़ बी थ्री तो ए ज़ीरो को बी ज़ीरो के साथ ऐड करना है इसलिए हमने एक पहला फुल एडर यूज़ किया ए ज़ीरो को बी ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे उसका सम निकलेगा अब यहाँ पे कैरी तो कुछ होता नहीं है पहले स्टार्टिंग वाले इसमें कैरी की वैल्यू कुछ भी नहीं होती इसलिए कैरी की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेंगे जीरो जो भी इनका कैरी आएगा वन प्लस वन जीरो और ये जो कैरी आता है ये जो कैरी है ये दूसरे फुल एडर के लिए इनपुट के तौर पे काम कर रहा है ठीक है इसलिए यहाँ पे दूसरा फुल एडर यूज कर रहे हैं हम लोग जिसकी वैल्यू रहेगी ए वन बी वन इनपुट रहेंगे और पहले वाले स्टेज से नेक्स्ट वाला कैरी जो जनरेट हुआ है वो इनपुट रहेगा फिर ये वाले फुल एडर का जो कैरी रहेगा वो नेक्स्ट वाले के लिए कैरी इनपुट के तौर पे काम करेगा इस टाइप से हम एन नंबर ऑफ बिट्स का एडिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फुल एडर मेथड लेकिन अभी ऐसा बिट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बिट पार्ला एडर तो यू हैव टू ड्रॉ सिंपली नंबर ऑफ फुल लेडर जैसे जीरो नंबर का फुल एडर वन नंबर का फुल एडर टू नंबर का अप टू एन माइनस वन तो ऐसे हम अनगिनत कितने भी फुल एडर लगा सकते हैं जिसमें जीरो नंबर में ए ज़ीरो बी जीरो रहेगा ए वन में ए वन बी वन टू में ए टू बी टू और एन माइनस वन में एन माइनस वन बी एन माइनस वन और इसके आउटपुट जो रहेगी वो भी एस जीरो एस वन एस टू एस एन माइनस वन तो ये हो गया तुम्हारा एन बिट पैरल एडर अब इन पूरे सर्किट्स को कम्बाइन में एक आई अवेलेबल है और वो आईसी क्या काम करती है फोर बिट को ऐड करने का काम करती है अ बिट नंबर कैन बी एडेड विद द सेकेंड बिट नंबर तो फोर बिट पैरेलल एडर की एक सिंपल डायग्राम अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम तो वो इस पैटर्न में दिखेगी हम लोगों को कि जिसमें ए नाम का एक नंबर है बी नाम का एक नंबर है ए के चार बिट रहेंगे ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री बी के भी चार बिट रहेंगे बी ज़ीरो बी वन बी टू बी थ्री और जिनका रिजल्ट भी चार बिट में ही आएगा एस जीरो एस वन एस टू एस थ्री कोई भी चीज़ को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें कैरी इनपुट होना चाहिए और कैरी आउटपुट होना चाहिए तो यहाँ पे कैरी इनपुट रहेगा और ये

वो सिंपली वो यही काम करती है कि उसको चार बिट इनपुट दे दो ए नंबर पे और चार बिट इनपुट दे दो बी नंबर पे वो ऑटोमेटिकली आपको चार बिट का आंसर निकाल के दिखाएगी फोर बिट प्लस फोर बिट तो वो आईसी का भी स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग और उससे हम एडर सब्ट्रैक्टर और एडर सब्ट्रैक्टर एक साथ कैसे काम करवाता है वो अभी हम देखेंगे ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो आईसी अवेलेबल होती है दैट आईसी नंबर इज आईसी सेवन फोर एट थ्री इसका पिन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है आप लोगों को तो ये कंप्लीट सिक्सटीन पिन नंबर्स है सिक्सटीन पिन आईसी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन टोटल सिक्सटीन पिन आई सी इज दर और इस हर आई सी का एक पिन स्पेशलाइज पिन होता है जैसे आई सी नंबर पिन वन इज़ ए फोर पिन नंबर टू इज एस थ्री जस्ट लाइक यहाँ पे जो हमने लिया है ना ए जीरो से लेके ए थ्री बी जीरो से लेके बी थ्री उसी टाइप से इसमें भी ए जीरो से लेके ए थ्री तक रहेगा अब यहाँ पे देखिए आप चार पिन है ए नंबर की चार पिन है बी नंबर की उसके बाद में हर आईसी को ऑपरेट करने के लिए ग्राउंड और वी सप्लाई लगता है तो पांच नंबर पे वी सप्लाई है और बारह नंबर की पिन इस डिसाइडेड एज ग्राउंड नंबर पिन उसके बाद में एक कैरी इनपुट होना चाहिए और एक कैरी आउटपुट होना चाहिए तो ये कैरी इनपुट और ये कैरी आउटपुट टोटल मिला के कितनी पिनस हो गई अभी तक उसके बाद हमारे चार आउटपुट मिलेंगे सम वाले तो एस थ्री एस टू एस वन और एस फोर चार सम वाले आउटपुट यानी टोटल मिला के सोलह पिन की आई सी है ये या आपको याद करनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके बाद में इस आई सी को लेके हम कैसे एडर सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं तो आई सी सेवन फोर एट थ्री उसमें हमको पता है कि चार ए नंबर की पिन होती है चार बी नंबर की पिन होती है चार सम की पिन होती है टोटल मिला के ये बारह पिन तो हो गई उसके बाद एक कैरी आउट होता है और एक कैरी इन होता है जब जब इस आई सी सेवन फोर एट थ्री के कैरी इनपुट को हम ज़ीरो देंगे यानी कैरी इनपुट ये पिन अगर हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये आईसी हम कन्वर्ट करते हैं एज अ एडर क्योंकि ऐड करते वक्त स्टार्टिंग बिट के साथ में हमको कोई भी कैरी नहीं करना है सपोज वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन वन तो यहाँ पे ये पहला वाला जब बिट ऐड करते हैं हम ए ज़ीरो और ये बी ज़ीरो तो यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं ऐड हो रहा है दो ही बिट है सिंगल बिट इसलिए कैरी की वैल्यू क्या रखनी है उस वक्त हमको जीरो फिर वन प्लस वन क्या हो जाता है जीरो और नेक्स्ट टाइम ये वन आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली चार फुल एडर सर्किट इसके अंदर में लगे हुए इसका इसका जो कैरी आउट है वो नेक्स्ट वाले फुल एडर के लिए कैरी इन के तौर पे काम करेगा जो हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है सो सिंपली बिट बाइनरी एडर के तौर पे अगर हमें आई सी सेवन फोर एट थ्री यूज करना है तो एक ही चेंज करना है कि उसका कैरी इनपुट को ग्राउंड में देना है दैट इज जीरो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस आई सी को दैट इज आई सी नंबर सेवन फोर एट थ्री को हम सप्ट्रैक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं और बाइनरी सप्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एक मेथड थी दैट इज कॉल्ड एज टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का मतलब हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जिस नंबर को हमें माइनस करना होता है जैसे ए माइनस बी करना है तो बी को अगर मुझे माइनस करना है तो सबसे पहले मुझे बी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा बी का मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा यानी बी में जितने भी बिट है जीरो वन जीरो वन उनका उल्टा यानी रिवर्स वाला बिट जीरो के जगह पे वन वन के जगह पे जीरो करना पड़ेगा और ये वंस कॉम्प्लीमेंट में मुझे वन ऐड करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट और ये टू कॉम्प्लीमेंट को मुझे ए के साथ में ऐड करना है एक्चुअली हमारी सेवन फोर एट थ्री आई सी क्या आई सी है एडर आई सी है ना ये जो आई सी है हमारी तो इस एडर आई सी को हम एज अ सप्ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं यानी एडिशन जो सब्ट्रैक्शन वाली एक्शन होती है उसको एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे यानी बी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में उसमें वन ऐड करेंगे यानी वो हो जाएगा टू कॉम्प्लीमेंट और ये जो नंबर है वो फाइनली हम ए में ऐड करेंगे तो कोई भी नंबर का देखो दिस इज एक्चुअली सेवन फोर एट थ्री एडर आई सी है इसमें जो नंबर हमें सप्ट्रैक्ट करना है यानी हमारा प्रोसेस क्या करना है हमको ए माइनस बी तो बी नंबर का मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना यानी जीरो के जगह पे वन और वन के जगह पे जीरो यानी सिंपली दैट नंबर को मुझे नॉट गेट से पास करना पड़ेगा जो जब भी नंबर अगर वन जीरो वन जीरो है तो मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा वन नॉट गेट से पास करेंगे तो इसका जीरो बन जाएगा जीरो का वन हो जाएगा वन का जीरो हो जाएगा जीरो का वन यानी ये हो गया तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट और इस वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या ऐड करते हैं वन ऐड करते हैं सो दैट ये बन जाएगा हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट और ये टूज कॉम्प्लीमेंटेड नंबर हम बाद में फाइनली ए में ऐड करेंगे तो ये हमारा एडिशन ऑपरेशन हमारा जो सम आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा और हमारा कैरी आउट यहाँ पे जनरेट होगा तो ये हो जाएगा हमारा फोर बिट पैरल सब्ट्रैक्टर यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट अगर सब्ट्रैक्शन यूज करना है बाय यूजिंग सेवन फोर एट थ्री तो हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं सबसे पहले कि जो सी इन है उसको वन वोल्ट देना जरूरी है यानी हाई वोल्टेज वी के साथ कनेक्ट करना जरूरी है वीसीसी का मतलब होता है सी इन को ऑटोमेटिकली कितनी वैल्यू मिल गई वन एंड जो बी नंबर है वो नंबर को हमको नॉट गेट से पास करना है सो दैट दैट नंबर गेट कन्वर्टेड इन टू इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड हो जाएगा तो टू कॉम्प्लीमेंट बनेगा और टूज कॉम्प्लीमेंट को हम वापस हमारे ओरिजिनल नंबर के साथ में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा बाय सब्ट्रैक्शन बायिंग आईसी सेवन फोर एट थ्री बहुत बार हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है ना कि क्या हम एक ही आई से एक ही स्विच यूज करके एक ही आईसी को एडर और सब्ट्रैक्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है दैट आई नंबर सेवन फोर एट थ्री कैन बी यूज एट एडर एज वेल एज सब्ट्रैक्टर जस्ट बाय यूजिंग वन स्विच एंड दैट स्विच इज कॉल्ड एज मोड स्विच दैट इज कॉल्ड एज एम ठीक है अब इसमें चेंजेस क्या करने हैं अब देखो ए में से बी माइनस करना है मुझे है ना या ए के साथ मुझे बी एड करना है तो एक साथ ही ये आई दोनों काम कर सकती है एट ए टाइम एडर के तौर पे भी काम कर सकती है और दूसरा मोड स्विच अगर हमने चेंज कर दिया तो ये सब के जैसा भी काम कर सकता है अब देखो एडिशन के लिए मेरे पास जरूरी क्या था मुझे एडिशन करते वक्त जो नंबर मैंने दिया है जो दो नंबर मैंने दिए हैं वो एज़ इट इज़ यहाँ पे आने चाहिए और सी इन की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए तभी मेरा एडी एडर के तौर पे काम करेगा तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे मैंने बी नंबर का जो बी नंबर है बी ज़ीरो बी वन बी टू बी थ्री इसको मैंने कौन सा गेट लगाया हुआ है एक्सॉर गेट और एक्सॉर गेट की खासियत ये है कि उसका एक एक जो इनपुट है वो मैंने एक साथ ज्वाइन करके बाहर निकाल लिया उसको नाम दिया एम अगर इस एम को मैं ज़ीरो वैल्यू देती हूँ एम को मैं यानी ग्राउंड में कनेक्ट करती हूँ तो सभी एक्स गेट के एक इनपुट में जीरो चला जाएगा और जब जब हम एक्स के एक इनपुट को ज़ीरो बना देते हैं उसका जो दूसरा नंबर होता है वो एज़ इट इज़ नीचे आ जाता है यानी एक इनपुट अगर ज़ीरो है एक्स गेट का तो गेट का आउटपुट क्या आएगा जो दूसरे टर्मिनल पे हमने वैल्यू दी है सपोज़ मैंने वैल्यू दी है वन जीरो वन ज़ीरो और दूसरे इनपुट दूसरा जो इनपुट है वो है ज़ीरो हमेशा तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे हमेशा वन ज़ीरो वन ज़ीरो एज इट इज़ जो मैंने वन जीरो वन जीरो यहाँ पे दिया है वही मुझे यहाँ पे मिलेगा क्यों क्योंकि मेरा दूसरा इनपुट क्या है हर वक्त ज़ीरो है तो और ये ज़ीरो ही सीन को जा रहा है तो सीन की भी वैल्यू क्या हो जाएगी उस वक्त ज़ीरो इसका मतलब ये जो सर्किट है इट इज़ जस्ट लाइक एडर सर्किट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेवन फोर एट थ्री एज अ एडर एक नंबर ये दूसरा नंबर और सीन की वैल्यू जीरो अब अगर मुझे सब के तौर पे यूज़ करना है तो सब के तौर पे क्या होना चाहिए ये जो नंबर मैंने दिया हुआ है इसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए और इसमें वन ऐड होना चाहिए तो अभी देखो अगर मैंने एम को वन दे दिया तो सभी जगह यहाँ पे क्या चला जाएगा वन चला जाएगा और जब जब एक्सॉर गेट का एक इनपुट वन होता है जो हम दूसरे इनपुट पे देते हैं उसका रिवर्स हमको यहाँ पे मिलता है यानी वन का क्या मिलेगा यहाँ पे ज़ीरो जीरो का क्या मिलेगा वन वन का फिर से क्या मिलेगा जीरो और जीरो का क्या मिलेगा वन इसका मतलब मुझे क्या मिला वंस कॉम्प्लीमेंट क्यों क्योंकि एक्सॉर गेट का दूसरा इनपुट क्या था वन दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ गेट जब जब हम जीरो देते हैं एक इनपुट में तो जो नंबर हमने ऑलरेडी दिया है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा अगर हमने दूसरे इनपुट में वन दिया है सभी जगह पे, तो जो नंबर हमने दिया है उसका हमको रिवर्स नंबर मिलेगा यानी वंस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और यही सेम वन यहाँ पे जा रहा है तो सी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी उस वक्त वन इसका मतलब ये वन कॉम्प्लीमेंट प्लस दिस वन यानी ये हो जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा हमारे ओरिजिनल नंबर के साथ में यानी ये जो सर्किट है इट कैन एक्ट एज अ सब्ट्रैक्टर ऑल्सो जस्ट बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो एंड एम इज इक्वल टू वन वी कैन यूज दिस सर्किट एज एडर एज वेल एज सब्ट्रैक्टर सो स्टूडेंट आई होप आपको आई सी सेवन फोर एट थ्री का यूज एज एडर कैसे करना है समझ में आया एज अ सबट्रैक्टर सेपरेटली कैसे करना है और कॉम्बिनेशन में एडर और सबट्रैक्टर कैसे करना है सिंपल एडर करना है तो ए और बी सिंपल देना है और सी इन को जीरो रखना है ठीक है सबट्रैक्टर यूज करना है तो ए को एज इट इज रखना है सिर्फ बी को नॉट गेट से पास करना है ठीक है उसके बाद सी इन को वन देना है उसके बाद सिंपल एडर सब करना है तो नॉट गेट की जगह पे यहाँ पे एक्सोर गेट लगाना है और एक्सोर गेट के सभी इनपुट्स को एक एक इनपुट को कॉमन करके एम में दे देना है एम की वैल्यू अगर जीरो रखते हो ये सर्किट एडिशन के जैसे काम करेगा एम की वैल्यू वन रखते हो तो ये सर्किट सब के जैसे काम करेगा सो स्टूडेंट आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी समझ में आई होगी I hope this is the very good experience of designing n bit parallel adder and subtractor by using IC7483. And what modifications we have to do uh, when we have to use that IC7483 as a adder, as a subtractor, and in a combination of both that is adder and subtractor. First, we are using that IC as an adder when we connect that C in equals to 0. When we use a NOT gate with a binary number B, then we can use it as a subtractor. And when we use it with a XOR gate with a mode selection switch, we can use it at, as a adder as well as subtractor by selecting that mode in a proper way. So thank you so much for listening uh, patiently this and watching this video very carefully. In the next lecture, we will continue our topic with binary to gray and gray to binary converter. Thank you.